हाय फ्रेंड्स, मैं सजल वर्मा और मैं मैनाक चौधरी, फ्रॉम सिविल सेंटर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के टाइप्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फॉर लोड्स पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स विच इज डिनोटेड बाई गामा एफ, द अनसर्टिनिटी इन एस्टिमेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर इज अकाउंटेड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। यहाँ पे हम लोग लोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोड्स हमारे बिल्डिंग के अंदर लगते हैं, विंड, अर्थक्विक, जो सर्टेन टाइम के लिए आता है और एक्ट होता है और चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उन लोड्स को कंसीडर करते हैं अपने लोड कॉम्बिनेशंस में। लोड कॉम्बिनेशन में जब कंसीडर करते हैं तो हम लोग कुछ सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, उसे हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, लोड कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। सिलेक्टेड सेक्शन शुड नॉट कॉज एनी फेलियर ड्यू टू द फैक्टर्ड लोड ऑब्टेन एंड सच लोड इज कॉल्ड डिजाइन लोड और डिजाइन एक्शन। जो हम लोग सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग, वो जो है हमारे फैक्टर लोड से जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। ये दो फेल नहीं होता है तो जिस लोड को बियर कर पा रहा है उस लोड को हम लोग डिजाइन लोड बोलेंगे। मतलब जो सेक्शन डिज़ाइन करेंगे हम, वो डिज़ाइन लोड लेना ही चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो डिज़ाइन लोड इज इक्वल टू गामा एफ इंटू डब्ल्यू एल। डब्ल्यू यहाँ पे लोड है और एल है लेंथ ऑफ द मेंबर, और गामा एफ है यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। ओके, नेक्स्ट। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल व्हिच इज गामा एम। The partial safety factor for material, gamma m, accounts for unfavorable material properties, variation in geometrical properties of member, etc. यहाँ पे हमारा जो material के लिए partial safety factor होता है वो material property के ऊपर depend करता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में discuss भी कर चुके हैं dry cement और wet cement का example लेके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, variation in और ये property के साथ साथ, जैसे हमारा मान लीजिए आई सेक्शन हम लोग चैनल यूज कर रहे हैं स्टील का और सी सेक्शन यूज कर रहे हैं स्टील का, दोनों में डिफरेंस रहेगा लोड बियर करने का। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और मटेरियल चेंज कर दिया, जैसे मान लिया कि हम लोग अभी माइल्ड माइल्ड स्टील ले रहे हैं और रॉट आयरन ले रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए कुछ फैक्टर्स हम लोग यूज करते हैं कि मान लीजिए कि वो अब जितना उसको स्ट्रेंथ देना है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हम लोग उस चीज़ को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ कंसीडर करनी होगी। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गामा एम अकाउंट्स फॉर अनफेवरेबल मटेरियल प्रॉपर्टीज वेरिएशन इन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर एटसेट्रा। जो हमारा मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर। मटेरियल प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ कि तुम्हारा, हम लोग पहले पुराने वीडियो में ले भी चुके थे इस एग्जांपल को कि हमारा ड्राई सीमेंट है और वेट सीमेंट है, तो वहाँ पे क्या वेरिएशन रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वेरिएशन इन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ कि हमने एक शेप का मेंबर डिसाइड किया कि ये शेप का मेंबर होना चाहिए बट उसका शेप प्रॉपरली नहीं है, तो हम मेंबर तो यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ सेफ्टी को लेके चलना होगा, उस सेफ्टी को हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। तो आगे देखते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ एच डी इज ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एस यू बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एच डी जो है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ इन द सेंस ऑफ कि जो स्ट्रेंथ हमें मेंबर दे रहा है उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, कैसे गेट मतलब पाते हैं, वो हमारा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब मटेरियल की जो मेंबर या मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को, और जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है। मतलब हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके, मतलब हम मेंबर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन पिछली बार तो हम एक डिज़ाइन लोड करके देखे थे, इसमें कुछ डिज़ाइन लोड के बारे में है नहीं।
डिजाइन लोड का कंपैरिजन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, देखिए आप। अच्छा, डिजाइन लोड इक्वल्स टू गामा एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल विच इज लेसर देन एस यू बाई गामा एम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा कोई लोड एक मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो लोड उस मेंबर की स्ट्रेंथ से हमेशा कम होना चाहिए। तो ऐसे कह सकते हैं कि लोड तो हमारा फिक्स है, वो तो कम नहीं हो सकता है, तो हमारा मेंबर का इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि उस लोड से हमेशा ज़्यादा रहे। अच्छा, यानी कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमेशा डिज़ाइन लोड से ज़्यादा होता है। हाँ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है डिज़ाइन लोड से। अच्छा, इस वीडियो में तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। सो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हम लोग मोर वीडियोज़ अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू।